नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है आज 28 मई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में निकली वैकेंसी। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकल रही है। इसके तहत सीनियर मैनेजर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मटेरियल ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। NFL कुल 23 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत अभ्यर्थियों का अधिकार वेबसाइट www.nationalfertilizers.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 25 जून 2021 की है। इसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में शिक्षक बहाली पर जल्द सुनवाई की अपील। बिहार में 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई की हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। जी हाँ, राज के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस की फाइल देखकर जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल नियुक्ति पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। रोक हटने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया हो सकेगी। साथ ही सरकार के अनुरोध किए जाने से रोक हटने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण मध्य रेलवे ने मेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों के लिए मांगी आवेदन। दक्षिण मध्य रेलवे ने मेडिकल स्टाफ के अलग अलग पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर MBBS कर चुके कैंडिडेट तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई को पूरी हो जाएगी। ऐसे में इच्छुक कैंडिडेट तय तारीख से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट 10वीं, 12वीं, BSc, MBBS पास होने वाले चाहिए। आयु सीमा 15 से 53 साल तक होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट और पद अनुसार आयु सीमा की जानकारी देख सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 29 मई। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। देश में बीते 24 घंटे में 211,275 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें ज़्यादा यानी 282,924 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 3,841 की मौत हुई। थोड़ी चिंता की बात यह है कि दो दिन से नए केस में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे पहले 24 घंटे में 1.95 लाख और 25 मई को 2.8 लाख कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में ज़्यादा गिरावट आ रही है। बुधवार को 75,601 एक्टिव केस कम हुए। देश में अब 24,15,7612 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार में लॉकडाउन से कोरोना पर काबू। 26 मई में 17.77% बढ़ा रिकवरी रेट। 2.14 लाख हुए संक्रमित। 2.79 लाख ने दी कोरोना को मात। जी हाँ, तेजी से आंकड़ों में कमी आई है। 1 मई से 26 मई के बीच कुल 21,04,223 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जबकि इसमें दौरान 28,09,230 संक्रमितों ने कोरोना को मात दिया है। जी हाँ, 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 2603 आए हैं, जबकि कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा 6,641 रहा। डॉक्टरों का कहने की लॉकडाउन के कारण कंटेक्ट कम मामले जा रहे हैं, इसी कारण संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा रहा है। बालू के अवैध ढुलाई में थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भोजपुर में बालू के अवैध ढुलाई के मामले में MSP ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में बहड़ा के थाना इंचार्ज सहित 6 पुलिसकर्मियों को गाज की लिया। सभी को बुधवार को सस्पेंड कर दिया गया है। बालू अवैध ढुलाई से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद SP द्वारा यह कार्रवाई की गई। SP राकेश कुमार दुबे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 24 मई को बहड़ा इलाके की बालू के अवैध ढुलाई से संबंधित वीडियो वायरल हुआ था। सदर SDPO से इसकी जाँच कराई जा रही है। जाँच में अवैध ढुलाई का मामला सही पाया गया। जी हाँ, साथ ही जांच में थाना इंचार्ज सहित 6 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। SP ने बताया कि SDPO की जांच रिपोर्ट आधार पर सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने बताया कि अवैध खनन परिवहन भंडारण के मामले में किस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइवेट अस्पताल की मनमानी पर एक्शन, होगी कार्रवाई। बिहार में कोरोना से मौत में अनुदान की राशि के लिए प्राइवेट अस्पताल और जांच केंद्र बड़ी बाधा बन गए हैं। जी हां, कई अस्पतालों की जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के दौरान संक्रमितों की अलग अलग अस्पतालों में मौत हो गई है। इसके बाद पोस्टर पर डाटा नहीं अपलोड किया गया है। अब ऐसे मामलों में शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभव कुमार ने बताया कि ऐसे हॉस्पिटल या लैब जो एंटीजन की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पोस्टर पर नहीं फीड करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए सिलेबस से सब इंस्पेक्टर DSP की होगी ट्रेनिंग। बदलते वक्त के साथ क्राइम करने के तरीके बदल रहे हैं। नए नए तरीकों को अपना आपराधिक क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे। जी हाँ, साइबर क्राइम के प्रिवेंशन को लेकर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। फील्ड में काम करने वाले बिहार पुलिस से सब इंस्पेक्टर से लेकर DSP लेवल के अफसरों के साथ प्रोफेशनल पुलिसिंग के तहत काम करने के तरीकों का अभाव है। इनकी
कमी को दूर करने के लिए नई कवायद की जा रही है। राजगीर के स्थित बिहार पुलिस एकेडमी की तरफ से सब इंस्पेक्टर से डीएसपी लेवल के अफसरों को इन ट्रेनिंग दी जाएगी। एकेडमी के डीआईजी पंतोष कुमार दास की तरफ से डिटेल्स रिपोर्ट तैयार कर एक प्रपोजल 24 मई को बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई। संभावना यह है कि जल्द ही पुलिस मुख्यालय के साथ ही राज्य सरकार की मुहर लग जाएगी। ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी में किया जाएगा, जो दो कैटेगरी के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली कैटेगरी में डायरेक्टर सब इंस्पेक्टर बने वैसे अफसर होंगे जिन्होंने 7 से 10 साल तक की नौकरी पूरी कर ली है। इन्हें 8 हफ्ता यानी 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी इंस्पेक्टर के डीएसपी बने या 14 से 18 साल की नौकरी कर चुके डीएसपी लेवल के अफसरों को 7 हफ्ता की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीज ने पटना एम्स की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान। बड़ी खबर पटना एम्स से है, जहां अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जी हां, मृतक की पहचान बेगूसराय के चितौरा गांव निवासी रामचंद्र साह के रूप में हुई, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से रामचंद्र साह डिप्रेशन में चल गए। इस बीच इन्होंने अस्पताल की 5वीं मंजिल पर शौचालय की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। जी हां, पटना एम्स में इस तरह का पहला मामला नहीं बल्कि इससे पहले भी 3 घटनाएं हो चुकी है। बिहार के 40,000 ट्रांसजेंडरों को मिलेगी 1500 की सहायता। कोरोना महामारी के चलते ट्रांसजेंडर समुदाय पूरी तरह से प्रभावित हुए। ऐसे में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये का निर्वाह भत्ता देने का फैसला लिया। इस वित्तीय सहायता से सूबे के 40,000 ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम करें एजेंसी और समुदाय आधारित संगठनों से इसके बारे में जानकारी फैलाने के लिए कहा गया है। पटना जिले में ट्रांसजेंडर के बाद 2700 से अधिक है कोविड ट्रांसजेंडर अधिक या ट्रांसजेंडर व्यक्ति की ओर से CBO प्रपत्र के बुनियादी विवरण आधार कार्ड बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडरों के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। कोविड ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नंबर 8882133897 विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार के बुध 11 से 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। बिहार में डाक विभाग के 1940 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी। उम्मीदवार अब बिहार JDS भर्ती 2021 के लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई की थी। बिहार पोस्टल सर्कल ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद के लिए किया गया। इच्छुक का योग्य उम्मीदवार उपलिखित पद के लिए इंडिया पोस्ट के आधिकारिक वेबसाइट apost.in पर आवेदन कर सकते हैं। लॉकडाउन में पुलिस बर्बरता से पटना हाई कोर्ट नाराज। राज्य में कोरोना महामारी से बचाव नियंत्रण पर मॉनिटरिंग करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता गैर कानूनी है। जी हाँ, अब इससे जल्द लगाम लगाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजय करुण और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवाली कौशिक की लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है सूबे के तमाम अस्पताल में निजी एवं उसमें अपडेट के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार पर फौरन लगाम लगाई जाए। रोहिणी नक्षत्र धान की खेती के लिए उपयुक्त है मौसम। खेती किसानी नक्षत्र का विशेष महत्व माना जाता है। 25 मई को रोहिणी नक्षत्र के आगमन होते किसान खरीफ फसल बोने की तैयारी में जुट गए। जी हाँ, हालांकि हाल ही के दिनों बारिश नहीं होने के कारण खेतों में नमी नहीं पाई गई थी, साथ ही मौजूद किसान बिचड़ा बोने के लिए खेत की जुताई में जुट गए। इधर विभाग की खरीफ फसल को बेहतर बनाने के लिए कमर कस लिया है। भले ही वैश्विक महामारी कोरोना का खौफ आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया, परंतु जिले में खेती बाड़ी अपने नियत समय से चल रहा है। इधर विभाग की खरीफ को बेहतर बनाने की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी समीर कुमार ने बताया कि इस बार 86,000 हेक्टेयर खेतों में धान लगाने का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। प्राप्त लक्ष्य को खंडवार बांट दिया गया है। इसके अलावा सभी किसान सहलकार व समन्वय को इस निर्देश दिया गया है कि किसान संपर्क कर उन्हें नए नए तकनीकों के बारे में बताए ताकि उत्पादन को बेहतर बनाया जा सके। मुजफ्फरपुर में मादक पदार्थ के कई धंधेबाजों के नाम सामने आए। कांठी इलाके से 2 दिन पूर्व विशेष पुलिस टीम के हत्थे चढ़े मादक पदार्थ के धंधेबाजों की पूछताछ में कई तस्करों के नाम सामने आए। जी हां, इसके अलावा मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले जिले के कई जगहों के बारे में भी बताया गया था। इस प्रमुख रूप से चतुर्भुज स्थान 3 कोठिया रेड लाइट इलाका सहरिया काठी और ब्रह्मपुरा समेत कई जगहों पर बने ठिकाने का पता चला है। विशेष टीम इन सभी धंधेबाजों पर नकल कसने की दिशा में कार्यवाही तेज कर दी है। लंबे समय से भर्ती कोरोना मरीज में सेफ्टी सीमिया का डर।
कई मरीज एक माह से अधिक समय से बढ़ती रोग प्रतिशोधक क्षमता कमजोर होने के कारण ऐसे मरीज में सेप्टिसीमिया के लक्षण सामने आ रहे। जी हाँ, डॉक्टरों कहने के शरीर के किसी भी हिस्से में होकर संक्रमण रक्त प्रभाव चला जाता है, इससे समस्या गंभीर हो जाती है। साथ ही कई मरीज और उनके स्वजन साइकोलॉजी ट्रिक से गुजर रहे। ऐसे मरीजों की अत्यधिक सावधानी और संवेदनशीलता से काउंसिलिंग की जाने की आवश्यकता है। NMCH के मेडिसिन विभाग, शिशु विभाग, ENT सर्जरी, इमरजेंसी से लेकर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तक के कोरोना के मरीज भर्ती, इनके इलाज में जुड़े डॉक्टरों ने अधिक समय से भर्ती मरीजों में दूसरा संक्रमण होने का चिंता जताई है। डॉक्टरों का कहना है कमजोर हो चुके मरीज के शरीर में त्वचा संक्रमित फेफड़ों से होकर बैक्टीरिया रक्त प्रभाव के रास्ते पूरे शरीर में पहुंचने का डर बना रहता है। गुजरी ट्रेन तो भरभराकर गिर गया रेलवे स्टेशन, देश में पहली बार हुआ ऐसा। ट्रेन की स्पीड से रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग धड़धड़ाने लगी और चंद मिनट बाद ही वह भरभराकर गिर गया। गनीमत यह रही कि स्पेशल ट्रेन काफ़ी छोटा था, साथ ही स्पेशल हादसे की चपेट में लोग नहीं आए। यह घटना MP के बुरहानपुर जिले की बुरहानपुर जिले में स्थित मुंबई दिल्ली लाइन पर एक छोटा सा स्टेशन है, चांदनी रेलवे स्टेशन। ज़्यादा लंबी दूरी की गाड़ियां रुकती नहीं है। साथ ही बुधवार की शाम 4 बजे यह पुष्प एक्सप्रेस गुजरी, उस वक्त ट्रेन की स्पीड करीब 110 किलोमीटर थी। ट्रेन के गुजरते ही रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में कंपन शुरू हो गया। ट्रेन की हरी झंडी दिखाने के बाद रेल कर्मी प्रदीप कुमार पवार बाहर निकले थे, इसकी वजह से वह हादसे के शिकार नहीं हुए। कंपन के बाद बिल्डिंग भरभराकर गिरने लगा। हादसे के वक्त स्टेशन पर यात्री नहीं थे और रेलवे स्टाफ भी जाता नहीं थे, इसकी वजह से कोई चपेट में नहीं आया। 17 साल पहले बना था भवन। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण साल 2004 में हुआ था। अभी इसके निर्माण के 17 साल भी हुए तो भरभराकर गिर गया। बिल्डिंग में पिलर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए कंपन सह नहीं पता चला। वहीं हादसे को लेकर रेलवे की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर मुआयना के लिए पहुंचे थे। कैमूर में 2 क्विंटल गांजा, हथियार और शराब बरामद। कैमूर पुलिस ने मंगलवार देर रात अंतर्राज्यीय बाजारों में गांजा आपूर्ति करने वाले सप्लायर को गिरफ्तार, हथियार व कारतूस जब्त किए। जी हाँ, SP राकेश कुमार के निर्देश पर पहुंची टीम ने 2 क्विंटल 4 किलो गांजा, भारी मात्रा में शराब एवं जिंदा कारतूस के साथ देसी राइफल बरामद करते सप्लायर को भी धर दबोचा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्रवाई ऐसी जगह पर पुलिस ने की जहां सामान्य तौर पर लोगों का पहुंचना नामुमकिन है। जगह का नाम देमुद देव है, जो झूमरकोन पंचायत के अंतिम गाँव है। यह गाँव चैनपुर थाना क्षेत्र के पुण्यता पहाड़ी इलाके में, जहाँ पहुँचने के लिए पुलिस को 4 किलोमीटर पैदल कंटेली झाड़ियों से होकर जाना पड़ा था। एक क्लिक पर शहरी क्षेत्र के लोगों के घर पहुंचेगी हरी सब्जियां। अब घर बैठे बस एक क्लिक पर अपने मनपसंद सब्जी की खरीदारी का मजा शहरवासी उठा सकते हैं। जी हाँ, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। जी हाँ, बुधवार को सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी, संयुक्त सचिव सह प्रबंध निदेशक बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन संस्कारी फेडरेशन लिमिटेड आनंद शर्मा ने उप विकास आयुक्त तनंद सुनंतियानिया के उपस्थिति में दरभंगा में हर थाली में बिहारी तरकारी का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की योजना बिहार सरकार सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना अंतर्गत सहकारिता विभाग के निदेशक में गठित वेज फेड के नेतृत्व में मिथिला सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संस्कारी सह लिमिटेड अपने कार्य निदेशन दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा से प्रथम चरण दरभंगा शहरी क्षेत्र के सब्जियां की ऑनलाइन बिक्री बुधवार से शुरू कर रहा है। इसके माध्यम से किसान के खेत से हरी सब्जियां शहरी क्षेत्र के हर ग्राहक को उपलब्ध होगी। शहरवासी www.tarkarimart.com पर जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ताज़ी सब्जियों की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही 24 घंटे के अंदर उनके घर पहुंचने की व्यवस्था मिथिला सब्जी संघ के द्वारा की जाएगी। 250 से उससे अधिक मूल्य की सब्जी की होम डिलीवरी फ्री होगी और उससे कम मूल्य की सब्जी होने पर ग्राहकों को 30 रुपये सुविधा शुल्क देने होंगे। झारखंड के मोहम्मदगंज बराज से छोड़ा गया 43,520 क्यूसेक पानी। डेहरी ऑनसोन या चक्रवात तूफान के कारण हो रही वर्षा का असर सोन नदी पर दिखने लगा। जी हां, झारखंड के मोहम्मदगंज स्थित भीम बराज से गुरुवार को 43,520 क्यूसेक से ज़्यादा पानी सोन नदी में छोड़ा गया। इंद्रपति बराज पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सोन नहर कमांड एरिया में हो रही वर्षा के कारण इंद्रपुरी बराज से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। झारखंड के मोहम्मदगंज स्थित भीम बराज से सुबह 43,520 क्यूसेक पानी सोन मदल नहीं छोड़ा गया है। यह पानी इंद्रपुरी बराज पर आम शाम पहुंच जाएगा। इसके लिए बराज के 40 से 30 फाटकों को खोल दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि इंद्रपुरी बराज पर ऊपरी जल संग्रह क्षेत्र और हिरण जलाशय से 31,931 क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। बराज का लेवल मेंटेन करने के बाद इस पानी को सोन नदी में बहा दिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी।
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन को 14 जून को एक साल पूरा हो जाएगा और एक बार फिर उनके परिवार को चाहने वाले के जख्म हरे हो जाएंगे। ऐसे में सुशांत की बहन श्वेता सिंह की कीर्ति ने एक साल फैसला लिया है कि अपने अगले श्वेता दुनिया जहान से दूर रहकर अपने भाई की यादों को ताज़ा करेगी। जी हाँ, श्वेता ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोशल मीडिया में ऐलान किया कि मैं जून के पूरे महीने में शांति के लिए पहाड़ों में रहूंगी, इंटरनेट और सेल सर्विस वहाँ नहीं रहेगी। सुशांत डेड केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है। सुशांत केस से जो ड्रग्स मामले में रिया को NCB ने गिरफ्तार भी किया था, मगर उन्हें जमानत मिल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत केस में पैसे के लेन देन की जांच की। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा जोर शोर से गरमाया था और कई स्टार किड्स उनके फैन के निशाने पर आ गए थे। सुशांत के फैंस एक साल से उन्हें याद दिलवाने के सोशल मीडिया के जरिए जुटे हैं। वहीं सुशांत के नाम से देश के विभिन्न हिस्सों में चैरिटी कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और सुशांत के परिवार उनके चाहने वालों को CBI की रिपोर्ट का इंतजार है। बिहार में अब डेंगू का खतरा। यास तूफान के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया है। वहीं बारिश के कारण जिले में जलजनित रोने की साथ संभावना सबल हो गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट तो हो गई है, अभी मौसम का मच्छरों अनुकूल भी हो गया। इस वजह से मच्छर जनित बीमारी की संभावना बढ़ गई। बारिश के कारण माहौल में जल जमाव के कारण डेंगू मलेरिया होने की संभावना है, इसलिए अब तक सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही सदर अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि डेंगू को लेकर मौसम अनुकूल होता जा रहा है। दिन में काटते हुए डेंगू के मच्छर डेंगू माता एजीज इंटीसी मच्छर के काटने से होता है। इन मरीजों के शरीर पर जीते जैसी धारियां हो जाती है। मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम में उनके फौरन बाद के महीनों यानी जून जुलाई और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा फैलता है। इस मौसम में मच्छरों के पनपने की अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। बिहार निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर होगी वर्चुअल सुनवाई। पिछले कई दिनों से अपराधियों के साथ जमानत अर्जी और ग्रामीण जमानत अर्जी पर सुनवाई बंद थी, ना ही जमानत अर्जी दायर हो रही थी। अदालतों में केवल अति आवश्यक मामलों में पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने का न्यायालय कोर्ट दिया गया था साथ ही, लेकिन हजारों की संख्या में जेल में बंद अपराधियों के द्वारा अब बड़ी राहत मिली। जी हाँ, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के साथ अधिवेशक न्यायालयिक कार्य की श्रेणी में आता है, लिहाजा सभी निचली अदालतों में जमानत अर्जी वर्चुअल मोड में सुनवाई की जाएगी। अरिया में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। बिहार के अरिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के बोकरा पंचायत से हरिया बटिया में बुधवार को भूमि विवाद के दो पक्ष में हो रही मारपीट को रोकने के लिए पुलिस पर एक पक्ष ने जानलेवा हमला कर दिया। जी हाँ, इस हमले में एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि कई के चोटिल होने की सूचना बताई जा रही। घायल दरोगा का नाम अनिल सिंह बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर सिमरा परपिंस और अरिया थाने के पुलिस घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक मारपीट करने की सभी लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी की बेटी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बिहार में यास तूफान की गति बढ़ी। यास का असर गुरुवार को गहरता दिख रहा है। तूफान के कारण गुरुवार से राजधानी पटना, गया, भागलपुर, पुरिया, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी समेत कई अन्य जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। फिलहाल जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौसम विज्ञानों का कहना है कि बिहार में तूफान का असर अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन बारिश एवं तेज हवाओं का चलना जारी रहेगा। अगले दो दिनों में देश में तबाही की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के अफसरों को अलर्ट जारी करने को कहा गया। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सभी जिलों पर नजर रखी जा रही है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए कई जिलों के लिए 2 से 3 दिन का येलो अलर्ट दिया जा रहा है। ऐसे 4 फ्रूट्स जो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर करते हैं। आइए जानते हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। चाय कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। चाय और कॉफ़ी का सेवन सीमित करें। किसी भी तरह का एनर्जी ड्रिंक अपनी इम्यून पावर को कमज़ोर करता है। आप जानते हैं कि नमक का अधिक इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर करता है। इसके अधिक सेवन से शरीर के बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर जल्दी बीमारी की चपेट में आ जाता है। इस मुश्किल दौर में आप नमक का सीमित सेवन कम करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अरुण, जितेश और अब्बुल। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या ट्रांसजेंडर को सहायता राशि देने से सहमत है? कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये हमारा वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।